हाय ऑल, सबका नमस्कार। मैं आपका चिरंजीवी। तो अभी मैं सेटाडिल हनी और बनी सीरीज कंप्लीट कर दिया अमेज़न प्राइम में, स्टारिंग समंथा रूट प्रभु एंड वरुण धवन। तो मुझे ओवरऑल सीरीज देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें मतलब एक्शन पार्ट्स जो भी है ना, मतलब इस सीरीज़ में उन्होंने जो भी निकाला 6 एपिसोड में, लिटरली बेहतर है। और वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब एक्शन सीक्वेंस और एक्शन एपिसोड्स पूरा। और मतलब हमको ये जो भी वेब सीरीज है ना, 2 टाइमलाइंस में देखने के लिए मिलेगा हमें, मतलब 1992 में और 2000 में। और मेन मतलब मेन हीरो ऑफ द मूवी ऑब्वियसली समंथा रूथ प्रभु है। उनका कैरेक्टर अराउंड ही मूवी और वेब सीरीज रिवॉल्व करेगा। और लिटरली मतलब उनका एक्टिंग तो एकदम बढ़िया है और लाजवाब है उनका एक्टिंग। और मतलब वे शी डिड द स्टंट्स सीक्वेंसेस एंड एक्शन एपिसोड्स लिटरली सुपर है। और उनका मतलब बैक स्टोरी भी हमको जब हम देखेंगे ना, मतलब वेब सीरीज में, वी फील हार्ट टच्ड एंड लिटरली लाइक बहुत ही अच्छा है उनका बैक स्टोरी। और एंड कमिंग टू पेरेंटिंग पार्ट भी, उनका मतलब एक बच्ची है भी उनका, तो मतलब वे शी प्रोटेक्ट्स हर चाइल्ड, मतलब कैसे बच्ची का रक्षण करेंगे करेंगे और कैसे उनका प्रोटेक्शन करेंगे, तो बहुत ही उन्होंने अच्छा दिखाया मूवी में। और मतलब वे शी ट्रेंस बच्ची बच्ची को, मतलब वे शी ट्रेंस हार्ड है ना, तो लिटरली सुपर है। और वो फर्स्ट 2 एपिसोड्स में उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया उन्होंने। और मतलब गैंगस्टर से कैसे एस्केप होंगे और उनसे कैसा फाइट करेंगे समंथा रूथ प्रभु, और बच्ची का कैसे प्रोडक्शन करेंगे, तो उन्होंने फर्स्ट 2 एपिसोड्स में बहुत ही अच्छा दिखाया। और वरुण धवन का एक्टिंग भी इस मूवी में बहुत ही बढ़िया है उनका भी, और उनका भी बैक स्टोरी भी बहुत ही अच्छा है और लिटरली सुपर है। मतलब दिन दे रियलाइज, मतलब 2 एपिसोड्स के बाद वरुण धवन जो भी है ना, लाइक उनको रियलाइज होगा कि लाइक ही विल बी इन अ ट्रैप एंड ही नीड टू कम आउट ऑफ दिस। तो बाद में वो इस ट्रैप से, जो भी वो फंसे होंगे ना, तो इस ट्रैप से वो बाहर आएंगे। और अल्टीमेटली 2000 टाइमलाइन में हनी, मतलब हनी को मारने के लिए देखते रहेंगे विलन्स पूरा, तो उनका रक्षण कैसे करेंगे और हाउ विल दे फाइट बैक, वही स्टोरी है। लिटरली सुपर है, मतलब परफॉर्मेंसेस ऑफ हनी समंथा रूथ प्रभु और बनी वरुण धवन उनका बहुत ही बढ़िया है। और वे दे इंटरलिंक्ड है ना, मतलब टू टू टाइमलाइंस का, 1992 में टू थाउजेंड्स में, लिटरली बढ़िया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बनाया इस वेब सीरीज को। और कमिंग टू विलन परफॉर्मेंस, के मैनन, तो ही इज़ लाइक वी नो लाइक ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट एक्टर्स एंड एनी रोल ही कैन डू, मतलब जो भी रोल है ना वो ईजी तरीके से कर सकते हैं। और उनका एक्टिंग भी बहुत ही अच्छा है। और जो भी क्रूअल विलनिज्म है ना, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया इस सीरीज में। म्यूजिक भी अच्छा है इस सीरीज में और लिटरली सुपर है। तो ये तो प्रीक्वल है ना, मतलब सिटाडेल अर्लियर आया था प्रियंका चोपड़ा जी का, तो उस सीक्वल से ये प्रीक्वल है। और ये मतलब नदिया जो भी बच्ची है ना, तो समंथा रूथ प्रभु इज द मदर ऑफ द चाइल्ड नदिया, तो इन वे लाइक प्रियंका चोपड़ा जी का मदर समंथा है। तो वो 2 सीरीज लिंक करने से बहुत ही अच्छा है। और मतलब एक ही ड्रॉबैक लगा इस मूवी में मुझे, तो इस वेब सीरीज में, तो वो ये कि मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स उतना नहीं है, जो भी आपको प्लेनली आसानी से मालूम पड़ जाएगा और आपको इजीली इजी तरीके से आपको पता चल जाएगा। मतलब उतना कुछ खास ट्विस्ट नहीं है, उतना एंगेजिंग ट्विस्ट नहीं है। ओनली पार्ट है कि एक्शन एपिसोड्स बहुत ही अच्छे हैं और स्टोरी लाइन का लिंकिंग जो भी है ना, मतलब 1992 और 2000 का उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स और भी होने से आपको और भी बेहतर लगता था, लेकिन फिर भी इजीली एक बार देख सकते हैं आप। और उसका लेंथ भी उतना अच्छा, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है लेंथ भी, ऑलमोस्ट एक एवरेज 40 मिनट्स एक एपिसोड, तो इजीली आप देख सकते हैं। मतलब 6 एपिसोड का 40 मिनट्स टाइम लाइन, मतलब आप आराम से एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं वेब सीरीज आपका फ्री टाइम में। तो ज़रूर देखिए सिटाडेल हनी और बनी। तो मेन शो स्टॉपर ऑब्वियसली समंथा रूथ प्रभु है, और उनका परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है। मतलब एक्शन सीक्वेंसेस नहीं तो इमोशनल सीन्स, नहीं तो एज ए पेरेंट, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया उन्होंने और इस किरदार को, लिटरली सुपर है। और स्ट्रगलिंग डेज में भी उनका जो भी उन्होंने दिखाया ना, मतलब 1992 में लाइक एक्ट्रेस बनने के लिए वो कोशिश करती थी, फिर उनको एक पाथ दिखाया वरुण धवन ने, तो उसके बाद उन्होंने कैसा एजेंट बना, तो लिटरली उन्होंने अच्छा दिखाया। और वरुण धवन जी का भी उनका उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है मूवी में, और ही डिड वेरी गुड जॉब। तो ये फ्रेंड्स, तो
राज एंड डीके दे डिलीवर्ड वंस अगेन एंड ओनली थिंग थोड़ा मुझे मिस लगा, मतलब वो एक वेनम बोलिंग है ना, तो वो थोड़ा एसेंस, वो थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स का एसेंस वो थोड़ा मुझे मिस हुआ, लेकिन ओवरऑल अच्छा है तो ज़रूर देखिए अमेजॉन प्राइम में। तो यही है फ्रेंड्स मेरा सिंपल रिव्यू सैटरडे हनी एंड बनी। तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।